देखो अभी आज का टॉपिक क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन। क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन। ठीक है, तो अभी तक जितने भी शेप आपने पढ़े ना, वो आपने नाइन्थ में ही पढ़ के आया हो, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म नहीं पढ़ा। तो ये फर्स्ट टर्म होता क्या, लेट अस सी। इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है सीबीएसई स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्पेशली 2020 में इसको हटा गया है, रिड्यूस पोर्शन में नहीं है, पर एटलीस्ट बेसिक नॉलेज यू शुड हैव। तो हम लोग इसको एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिवीजन में नहीं करेंगे, चलेगा। तो आपके पास मान लो एक कोन है, कोई ऐसा वी हैव कोन लाइक दिस। एक कोन का कुछ ऐसा, ये आर होता है आपको पता है, और ये हाइट होता है, एवरीबडी नो। अगर इस कोन को मैं ऐसा बीच में से कट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने बीच में से वो कट कर दिया लाइक दिस। तो इसका जो नीचे का पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, नीचे का पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कौन सा पोर्शन, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। सिर्फ आपको ये नीचे का पोर्शन लेना है, ठीक है, ऊपर का नहीं लेना है। तो कौन सा पोर्शन होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। अब फर्स्ट टर्म की डायमेंशंस को समझते हैं। देखो फर्स्ट टर्म कैसा होता है, आपने बकेट देखा होगा अपने घर पे, बकेट देखा होगा, देखो कुछ ऐसा बकेट होता है आपके घर पे, होता है ना, वो भी एक टाइप का फर्स्ट टर्म ही है। वो ऊपर से ओपन फर्स्ट टर्म है, ऊपर से खाली रहता है ऐसा, ठीक है, तो वो भी फर्स्ट टर्म ही है। अभी तो सिलिंड्रिकल बकेट भी आते हैं, पर नॉर्मल जो पहले स्टील के बकेट आते थे ना, स्टील के, वो सब ज्यादा फर्स्ट टर्म, प्रॉपर फर्स्ट टर्म हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है फर्स्ट टर्म। ये नॉर्मली बकेट की क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। देखो इसके डायमेंशन को पहले समझ लेते हैं, क्या क्या होता है। तो इसमें दो सर्कल होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। नीचे वाला सर्कल बड़ा होगा, उसको हम लोग नाम देंगे R1, ठीक है, ऊपर वाले सर्कल को नाम दे दिया R2, और ये इसकी हाइट होती है, ये दोनों सर्कल को ज्वाइन करने लाइन क्या हाइट। और ये जो स्लांट है, दोनों साइड इक्वल होती है, और इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये डायमेंशन होती है। अब इसमें हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने, पहले तो देखो इसके सारे फॉर्मूले कोण से मैच खाएंगे। तो पहले तो एल का फॉर्मूला, कोण का फॉर्मूला क्या था याद करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना, कोण के लिए, कोण के लिए। बट फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे दो रेडियस है, तो क्या करोगे, दोनों का रेडियस को माइनस करोगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे करवाऊंगा कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया पहला फॉर्मूला इसका फॉर एल। अब इसका पहला जो पार्ट होगा वो होगा सीएसए ऑफ फर्स्ट टर्म, सीएसए ऑफ फर्स्ट टर्म, सीएसए ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कोन क्या होगा बताओ। देखो कौन सा एरिया आएगा पहले आपको सोचना है। कभी भी आप सरफेस एरिया करो ना, तो सोचो सीएसए में कौन सा एरिया आएगा, जो कर्व ये आएंगे, ये दोनों लाइन आएगा, ठीक है। जैसे कोन में कौन सा लाइन आता था, मैंने हमेशा बताया कोन में ये दोनों लाइन आते हैं, तो इसमें भी ये दोनों लाइन। तो इसका एरिया भी कैसे होगा बताओ, कोन का एरिया याद करो क्या होता है, कोन का पाई आर, ये एल होता है, सी एस एफ कोन। तो यहाँ पे दो रेडियस है, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे, दो रेडियस है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको R1 प्लस R2 कर दोगे, क्योंकि दो रेडियस है हमारे पास, ठीक है। तो आपको पहला फॉर्मूला मिल गया, इजी याद हो गया। सेकेंड, गुजरात बोर्ड को तो ये याद ही करना है, ठीक है ना, जो गुजरात बोर्ड वाले वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए। तो सेकंड फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, टोटल सरफेस, देखो टोटल सरफेस ये रहा, तो घबराने की जरूरत है। टोटल सरफेस का मैंने फॉर्मूला याद करने बताया, क्या करते हैं, सी एस ए लिखते प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम कर देते, ठीक है। सी एस ए कितना है बताओ, टू, कोन का सी एस ए क्या होता है, टू कहाँ से आ गया, तो सिलेंडर में, ये रहा, तो पाई R1 प्लस R2 L, एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, एरिया ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, देखो ऊपर क्या सर्कल है ना, नीचे भी सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या था, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड बट नॉट द लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वॉल्यूम, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वॉल्यूम फर्स्ट टर्म क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम याद करो, सॉरी कोन का वॉल्यूम याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मैंने सारे फॉर्मूले इससे याद किए, ठीक है। अब क्या है, इसमें दो रेडियस है, कितने रेडियस है, दो रेडियस है, तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा,
पहले आर वन का स्क्वायर करूंगा, फिर आर टू का स्क्वायर करूंगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा इन टू एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो दिस फोर फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन के करने हैं, ठीक है। Else you can also skip. ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि पहले याद नहीं होता था मोस्टली सबको फॉर्मूला, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट करता था। अब समझ गए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, एक ही वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा चैप्टर को मैं। ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट, कोन ऑफ हाइट अ कोन है बीच में स्पेस आएगा ऑफ हाइट टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सर्कुलर एंड, मतलब दो सर्कुलर एंड ऐसा है ना ड्रिंकिंग ग्लास ऐसा कुछ है, ठीक है। ग्लास मतलब उल्टा बनाया मैंने ये, ठीक है, समझ जाओ ऐसा कुछ है। नीचे से क्या बना रहा हूँ, ऊपर से बड़ा होगा ग्लास, नीचे से छोटा होगा, ऐसा कुछ ग्लास होगा, ठीक है। तो ये इसका R1 और ये R2। तो R1 कितना दिया आपको, हमें से बड़े को R1 लो और स्मॉलेस्ट को R2 लो, डायमीटर है तो रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2 और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या था, वॉल्यूम होता है, सिंपल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर वन स्क्वायर करना है, फिर आर टू का स्क्वायर करना है, फिर आर वन आर टू को मल्टीप्लाई करके एच कर देना है। बाय थ्री पाई की वैल्यू कितनी है सबको पता है, 22/7 होती है। आर वन की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर, आर वन 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 7 नहीं 14, हाइट कितना 14, 7 2 जा कट जाएगा, कितना हो गया 22/3। इसको सॉल्व करो, 4 + 1 + 2 × 2 कितना हो गया 22/2, ये कितना हो जाएगा 7 × 2, तो फाइनल आंसर आएगा 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद रहे, फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन इजी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड, देखो सर आपका ये फ्रस्टम है ऐसा कुछ, इसका दो सर्कुलर एंड का पेरीमीटर दिया, क्या दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर और टॉप कितना 6, टॉप जो छोटा हमेशा वो लेना 6 और पेरीमीटर ऑफ बॉटम, बॉटम बड़ा होगा तो बॉटम का पेरीमीटर भी बड़ा होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको R1 R2 की वैल्यू तो चाहिए ना, तो पेरीमीटर ऑफ टॉप क्या होगा बताओ, इसका रेडियस R2 है तो ऊपर क्या एक सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो 2πr2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2π, तो 3/2π, इसकी वैल्यू का R2 हो गया। ऐसे ही पेरीमीटर बॉटम क्या हो जाएगा 2πr1, 18 सेंटीमीटर, तो R1 क्या हो जाएगा 18/2π, मतलब 9/π, R1 की वैल्यू हो गई 9/π, और ये ठीक है। आपको CSA ऑफ फ्रस्टम निकालना है, क्या CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इनटू L, पाई को ऐसे ही ठीक रखो, R1 की वैल्यू कितनी है 9/π, R2 कितना है 3/π इंटू एल कितना है 4, देखो दोनों में सेम है तो पाई को नीचे लिख दो और 9 + 3 कितना जाएगा 12 हो जाएगा, पाई पाई कट अंतर कितना गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कितना गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इजी था, ठीक है। थर्ड भी इजी है, फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। फिफ्थ मेनली देखो, थर्ड देखो, थर्ड आपको दूंगा करने के लिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फेस केप यूज बाय द टर्क, ऐसा कैप है जो टर्क की लोग यूज करते हैं, इस शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज द रेडियस ऑफ द ओपन साइड, देखो ओपन साइड कहाँ से, नीचे से ऊपर होगा ना तो ही टोपी अंदर जाएगी ना, ठीक है। तो ये बॉटम साइड ओपन है, मतलब ये आर वन है नीचे का, बड़ा रेडियस कितना है आर वन, ऊपर का रेडियस कितना है आर टू, कितना दिया 4 सेंटीमीटर, हाँ स्लैंट हाइट दिया है कितना
स्लैंट हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द मटेरियल यूज, अब बोल रहा है मटेरियल जहां जहां यूज हुआ ना उसका एरिया बताओ, तो मटेरियल कहाँ यूज होगा। अब सोचो कैसे कैप बनाया आपने, तो मटेरियल कहाँ कहाँ यूज होगा बताओ मुझे। क्या इधर मटेरियल लगेगा? नहीं, कहाँ लगेगा? एक तो ये लाइन में लगेगा मटेरियल, एक तो ये लाइन में लगेगा, और ये टॉप में लगेगा, ये टॉप में लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा एरिया आपको निकालना होगा बताओ। आपको निकालना होगा सी ए से, ये दोनों लाइन किस में आती है, सी ए से और एरिया ऑफ टॉप। तो आप सी ए से निकालोगे प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल यूज, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कैप, कैप इक्वल टू सी ए से ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द टॉप। तो सी एस ए फ्रस्टम क्या होगा, पाई आर वन प्लस आर टू एल। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, पाई आर टू स्क्वायर, क्योंकि ऊपर अलग हमने आर टू लिया, ऊपर का रेडियस छोटा है, ठीक है, ये गलती हो जाती है। स्मॉलेस्ट को हमें टू लेना है, ग्रेटेस्ट को वन लेना है। तो आर वन आर टू सबकी वैल्यू पुट कर दो आप, यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, कुछ भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको करना है होमवर्क, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप मेड अप फॉर मेटल शीट, एक कंटेनर है जो टॉप से खुला है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम की हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द लोअर एंड द अपर एंड, लोअर एंड का और अपर एंड का। तो लोअर को हम लोग ले लेते आर टू, छोटे को हमेशा आर टू लेना है, बड़े को आर वन लेना है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। देखो ऐसा कुछ कंटेनर है लाइक दिस, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, मतलब ओपन है, ठीक है, ऐसा कुछ। इधर मटेरियल है, इधर भी मटेरियल है, और यहाँ पे ऊपर पोस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ दी 20 किलोमीटर। देखो पूछा है कितना मिल्क का दाम होगा जो कंटेनर में आएगा, ठीक, और एक लीटर का दाम कितना बोला, 20 रुपया बोला, कितना रुपया बोला, 20 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग पहले पोस्ट कैसे निकले, जो वॉल्यूम निकाल पाओगे ना, कितना मिल्क आएगा वो पता चलेगा। तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या हो जाएगा बताओ। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू इंटू एच, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सबकी, पाई की वैल्यू कितनी लेनी बोलिए, 22/7 ने 3.414 यहाँ मेंशन किया, तो 3.14 हाइट L1 की, R1 कितना है 20 का स्क्वायर, R2 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 20 × 8, हाइट कितना है 16, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 13.1 × ये देखो ये 16 को मैंने इधर पहले लिख दिया, और इसको सॉल्व करो तो 400 प्लस 64 प्लस 160, फाइनल सॉल्व करो 16 × 3 ये कितना आएगा 624 कैसे आ जाएगा, ये हो गया 5 624, हाँ 624 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड डिवाइड करते हो गए तो आपका आंसर आता है कुछ 10.104492 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आएगा। लेकिन एक इसमें सेंटीमीटर क्यूब में आपको इसको अगर मीटर में, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं कॉस्ट किसमें दिया लीटर में, तो सेंटीमीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड करना रहता है, कितने से 1000 से, क्यों, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है ना, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 10.449 लीटर, मतलब 10.45 लीटर है अप्रोक्सीमेटली, कितना 10.45 लीटर, गॉट इट, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया, लीटर मिल गया, ठीक है, इसकी किसकी कैपेसिटी मिल गई, कंटेनर में कितना मिल्क आएगा, कितना मिल्क आएगा 10.45 लीटर है। अब एक लीटर का दाम कितना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क ऑफ 1 लीटर इक्वल टू 20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क ऑफ 10.5 लीटर मिल्क कितना हो जाएगा,
10.45 × 20 कितना होगा बताओ, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 209, कितना आएगा 209। तो आपको किसका कॉस्ट मिल गया, मिल्क का कॉस्ट मिल गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, also find the cost of the metal sheet used to make the container। अब इस कंटेनर मतलब कोई मेटल से बना है, कुछ भी स्टेनलेस स्टील का, कोई स्टील से बना है, तो इसमें कितना मटेरियल लगा, क्या लगा, कितना मटेरियल लगा। तो कहाँ कहाँ मटेरियल होगा सोचो पहले आप लोग। मान लो एक कंटेनर है कुछ ब्लू कलर का, तो यहाँ इधर मटेरियल होगा, यहाँ पे मटेरियल होगा और नीचे बेस पे मटेरियल होगा। तो वापस क्या करोगे बताओ, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज किसके बराबर होगा, सी एफ सी ऑफ फ्रस्टम प्लस सी एफ सी ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो सी एफ सी ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई आर वन प्लस आर टू एल, और ये क्या इतना था, पाई आर आर टू स्क्वायर, नीचे वाले का एरिया ना छोटा एरिया है तो टू लेते हैं, ठीक है। अब बताओ एल की वैल्यू कैसे निकालो, यहाँ पे एल चाहिए ना, एल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अंडर रूट आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, एल का फॉर्मूला, ठीक है। तो एल निकालते कितना आएगा, देखो आर वन कितना है 20, आर टू कितना है 8, एच कितना है 16, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 144 प्लस 256, मतलब L कितना है 400, तो L कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, या मैं किसकी वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो इसमें से पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई चाहो तो कॉमन ले लो पहले, इफ यू वांट टेक द पाई कॉमन, तो पाई को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा L1 L2 प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, ये कितना है R1 कितना है 20, R2 कितना है 8 है ना, हाँ 8, L कितना है 20, R2 कितना है 8, पाई ये कितना हो गया, जस्ट मल्टीप्लाई 28 × 8 कितना होता है 28 × 20 पाई 60 प्लस 64 कितना हो जाएगा 624 पाई, अंतर कितना है 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो कॉस्ट आ गया 624 पाई इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना कॉस्ट सॉरी एरिया आ गया, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे रेट से मल्टीप्लाई, रेट कितना है इसका, देखो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर 100 सेंटीमीटर मेटल शीट इज 8 रुपीज, 1 मीटर का दाम नहीं दिया, 100 मीटर का दाम, 100 सेंटीमीटर का दाम है, कितना 8 रुपीज स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ अपना एरिया कितना 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा मेटल शीट का, 8 × 6.24 पाई डिवाइड बाय 100, 8 × 6.24 पाई इनटू 100, तो 8 × 6.24 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 10 100, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 156.75 सेंटी रुपीस, 156.75 रुपीस, गॉट इट, दिस इज योर आंसर, यू विल गेट, क्लियर। तो हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम निकाला उसका कॉस्ट निकाला, फिर एरिया निकाला उसका कॉस्ट निकाला। पहले अगर अगर ये सिलेबस में होता आपके तो 4 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है 4 मार्क्स में आ सकता था, अभी नहीं आएगा, बट इट ये देखो ये उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, क्या है, एक कोन है, कौन सी शेप में, राइट सर्कुलर, तो एक ऐसा कोन है like this one of 20 centimeter height, of 20 centimeter height, height equal to 20 centimeter, vertical angle is 60 degree, vertical angle मतलब ये angle जो complete angle होता है उसको हमने 60 degree दिया है, कितना degree दिया 60 degree,
इट कट्स इनटू टू पार्ट एट द मिडल ऑफ इट हाइट बाय द पैरेलल. अब इसके हाइट के मिडल में से हमने ने क्या कर दिया, काट दिया, मतलब बीच में से कट कर दिया. तो ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये ऊपर का भी पार्ट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर सबको ये बात? ठीक है, ठीक है. आपको क्या दिया है, आपको क्या पूछा है, फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रोन इनटू द वायर. अब ये जो ये नीचे का जो फ्रस्टम बचा ना, ये वाला फ्रस्टम नीचे का पार्ट, उसको वायर बना गया. तो पहले तो हमें फ्रस्टम की डायमेंशन तो चाहिए ना. तो फ्रस्टम का डायमेंशन क्या चाहिए हमें, हमें सिर्फ ये पता है, ये हाइट पता है फ्रस्टम की, हमें सिर्फ हाइट पता है. देखो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द कोन हम लोग एच ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू कैपिटल एच. ठीक है, कितना दिया था, 20 दिया था. फ्रस्टम का हाइट क्या हो जाएगा, कैपिटल एच बाय 2, क्योंकि बीच में से कट किया. तो कितना, ये फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 बाय 2, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें तो रेडियस चाहिए, हमें तो ये दोनों रेडियस चाहिए ना, पता मुझे, एक ये रेडियस चाहिए और एक ये रेडियस चाहिए, बड़ा रेडियस चाहिए. तो कैसे निकलेगा, देखो उसके लिए ना आप ये बीच में से एक इसको ट्राइंगल ले लो, बीच में से एक लाइन जो हाइट है ना उसको, सब फिगर को भी भूलो कर लिखने के लिए आप बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं फिगर. ठीक है, ये एंगल आपका 60 है, तो मैंने इसको ये बीच में से एंगल को कट किया, ये हाइट हुई मेरी. ठीक है, और ये बीच में से कट किया था. तुम एक ट्राइंगल देखना, एक ट्राइंगल लो ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल लो ए डी ई. कौन सा ट्राइंगल, पहले हम लोग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी की. हमें आर वन और आर टू चाहिए, क्या चाहिए, आर वन आर इन ट्राइंगल ए बी सी. देखो इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, इज इट, ये एंगल 90 डिग्री, हम लोग ये ट्राइंगल को यहाँ बनाते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा. और ये एंगल कितना होगा बताओ, देखो ये पूरा एंगल कितना है, 60 है, तो इतना हाफ कितना होगा, 30 डिग्री होगा. और ए बी की लेंथ कितनी दी है, ए बी की लेंथ कितनी है, देखो ये लेंथ, ये बीच में से कट किया, तो ये लेंथ कितनी होगी, 10 होगी, तो ये 10 हो गया. हमें क्या चाहिए, ये रेडियस चाहिए ना बी सी, यही रेडियस होगा आर टू आपका, तो हमें आर टू चाहिए बी सी. तो कैसे निकालोगे बताओ, एनी आइडिया. तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, क्या लगाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री. देखो 10 जहां पे भी क्वेश्चन में, अब से याद कर लो, जब भी आपको मैथ्स में 10th क्लास में कहीं भी फंसो और राइट एंगल हो, तो वहां पे एक तो पाइथागोरस लगता है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री लगता है. तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लगाएं, 10 30 बताओ. देखो ये 30 डिग्री है, तो 10 30 क्या होगा, 10 थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसका अपोजिट क्या है, बी सी, और एडजेसेंट क्या है, ए बी. 10 30 क्या होता है, 1/√3. BC कितना है, R2, ये कितना है, H, ये कितना हो गया, 10/√3. किसकी वैल्यू आ गई, R2 की आ गई, कितनी आ गई, 10/√3. ठीक है, ठीक है, 10/√3 R2 की वैल्यू. ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिखते थे, R2 इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर. अब R1 निकालेंगे, R1 के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा R ट्राइंगल लेंगे. अब देखो अब कौन सा ट्राइंगल की बारी आएगी, बिगर ट्राइंगल. ठीक है, नाउ वी विल टेक ये भूल गया. अब हम लोग लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए डी, वाला ट्राइंगल ए डी ई. देखो ए डी क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, कोन की हाइट है वो कितना है, 20 है, एंगल तो वही रहने वाला है 30 डिग्री. और ये DE क्या है, DE क्या, R1 है. ठीक है, बीच में से कट है. हम लोग कैसे वापस लगाएंगे, 10 30 डिग्री ये ट्राइंगल में, 10 30 क्या बताओ, DE अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 10 30 क्या होता है, 1/√3. DE कितना है, R1, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, इधर क्या 20, तो R2 कितना है, 20/√3, R1 आया, R1 क्या है, 20/√3. बस अब खेल खत्म, अब खेल खत्म. अब देखो अब अपने इस कोन से प्रश्न को निकाल लिया और की सारी डायमेंशन भी निकाल ली, आपका कोन का कोई जरूरत नहीं रहा हमें, अभी हमें वी डोंट नीड कोन. अब क्या कर रहे हैं, प्रश्न आ गया हमारे पास, कैसा
ठीक है, वी गॉट ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया और ये हाइट हो गया। अभी फ्रस्टम को क्या किया जा रहा है, इसको वायर बना रहे हैं, वायर ऑफ डायमीटर 1/16। डायमीटर कितना है वायर का, 1/16, तो इससे कैसे पतला सा वायर बना रहे हैं, कुछ पतला। वायर का शेप कौन सा होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, सब वायर। इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 1/16 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा, 1/16 का भी आधा, तो 1/32, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, ये कितने लंबाई मतलब उसकी हाइट निकालना है। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, क्योंकि फ्रस्टम से बन रहा है वायर, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मत लिखना, वायर लिखना, वायर, वायर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई होता है, 1 का स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है, 5/3 होता है, एक मिनट पूरा लिख देता मैं सही से, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 h और ये होता है पाई r, ठीक है। इसका h है तो h1 ले लेते हैं कुछ, इसका कैपिटल h ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैपिटल h। देखो पाई पाई तो कट जाएगा, 1/3 ऐसे ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी है r1 की, 10/3 का रूट, r1 10 20/3 और ये 10/3, ये कितना है 10/3 इंटू 20/3 या 20/3 इंटू 10/3 की बात हुई, ठीक है, ठीक है। और हाइट आपके पास कितनी बताओ, हाइट कितना है, हाउ मच हाइट यू गॉट, हाइट ऑफ द फ्रस्टम 10, रेडियस कितना है 1/32, 1/32 एल निकाल लेना है। देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट विल ट्राई, देखते कैसे होगा, आसान तरीके से करेंगे, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन कम हो। 1/3 तो बाहर है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 200 और इसका हो जाएगा 3 इंटू 10, टू इसका 132 इंटू 132 इंटू हाइट, ठीक है। तो ये सबको प्लस कर दो, ऊपर वाले सबको प्लस कर दो, सबका बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 700/3 इंटू 10 इंटू 32 32 इंटू 32। तो कुछ कटपिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका एच फाइनल एच क्या आएगा, वो लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ट्राई टू राइट द एच। देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7000 नीचे तो 9 है और ये 32 ऊपर जाएगा, 32 × 32 यही कुछ आंसर होगा आपका, इन किसमें आंसर आ रहा है आपका, सेंटीमीटर, किसमें आ रहा है सेंटीमीटर, देख लो जो आंसर है यही है फाइनल आंसर आपका, कुछ आएगा कैलकुलेशन करो एक मिनट, सॉल्व करने पे फाइनल आंसर वेरीफाई करने देंगे, इतना तो एक बार लास्ट आपका हाइट या लेंथ कितना था, 7964 सेंटीमीटर, इसको ही आप लिख सकते हो, अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से डिवाइड, मतलब 1/4 आएगा यहाँ पे, 64.44 मीटर आपका मीटर लेंथ ऑफ द वायर, क्या लेंथ ऑफ द वायर, गॉट इट, दिस इज द फाइनल, ठीक है। एवरीथिंग ये चैप्टर में करवा दिया मैंने, सारे क्वेश्चंस करवाया, किसी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता, ठीक है, ओके चलो।